Hi friends, welcome back on our YouTube channel. Today in classical mechanics, we are going to discuss about Lagrangian formulation in generalized coordinate. So in today's lecture, we will discuss about Lagrange's formulation in generalized coordinate, degree of freedom and the generalized coordinate. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम इन तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. So first of all, Lagrange's formulation in generalized coordinate. Now, change of notation. अब अगर आपको notation change करना है, तो वो कैसे होगा? We consider a system of n particles. We generalize the Cartesian coordinate and mass. तो n particle system यहाँ पर हम consider कर रहे हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड मास को हमको जनरलाइज करना है. नाउ हियर वी आर शोइंग द कोऑर्डिनेट एंड हियर मास एंड हियर वी हैव पार्टिकल नंबर. अगर हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करें, सो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन एंड जेड वन है. अब अगर इन कोऑर्डिनेट को आप जनरलाइज करोगे, एक्स वन हमारा एक्स वन रहेगा, पर यहां पर हम वाई और जेड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. सो वाई वन विल बी एक्स टू एंड जेड वन विल बी एक्स थ्री. मास m1 एंड m1, बट इफ यू जनरलाइज मास, देन मास कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स वन विल बी m1, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स टू विल बी m2 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स थ्री विल बी m3. नाउ फॉर पार्टिकल नंबर टू, अब सेकेंड पार्टिकल की बात करोगे तो कोऑर्डिनेट एक्चुअल में x2, y2 एंड z2 है, एंड जनरलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा x4, x5, x6 एंड मास m4, m5, m6. इन द सेम वे इफ वी टेक nth पार्टिकल, देन एक्चुअल कोऑर्डिनेट वॉज xn, yn एंड zn. अब अगर हम जनरलाइज करेंगे तो जेड एन हो जाएगा x3n, yn इज x3n माइनस वन एंड xn इज एक्चुअली x3n माइनस टू. इन द सेम वे मास विल बी m3n माइनस टू, m3n माइनस वन एंड m3n. सो अगर आप कोई भी पार्टिकल लोगे, सपोज इसी पार्टिकल की बात करते हैं टू, तो मैं n की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, x6 माइनस 2 दैट इज x4. सो ये हमारा x4. यहां की बात करोगे सो x6 माइनस 1 दैट इज x5, सो x5 और ये हो जाएगा हमारा x6. तो इस टाइप से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को जनरलाइज एंड मास को भी जनरलाइज कर सकते हैं. The earth पार्टिकल हैज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड मास एज. अब जैसे हमने nth पार्टिकल लिया था, उसी तरह से अगर हमारे पास में आरथ पार्टिकल है, उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड मास लोगे तो आपको n की जगह r लिखना है. सो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x3r माइनस टू, x3r माइनस वन, x3r एंड मास इसके लिए m3r माइनस टू, m3r माइनस वन एंड m3r. Now, D'Alembert's principle in this case, D'Alembert principle हमारा था sigma j equals to 1 to n, f j applied minus p j dot dot delta r j equals to 0. Now, अगर हम generalized coordinate में इस D'Alembert principle को लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, sigma I equals to 1 to 3 n, f I applied minus m I d 2 x I by d t 2 डॉट डेल्टा एक्स आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये पीजे डॉट है एंड एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी और एफ इक्वल टू पी डॉट एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एम ए एंड ए क्या है, एक्सेलरेशन दिट इज डी टू एक्स अपॉन डी टी टू. तो यहां पर जो पीजे डॉट था इसको हमने एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू लिख दिया है, क्योंकि यहां पर सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू 3 एन है.
So D'Alembert's principle in generalized coordinate will be this one. Now, Lagrange's equation of first kind was actually mj rj double dot minus fj applied minus sigma I equals to 1 to k lambda I del hi upon del rj double dot equals to 0 tha. So, ये क्या हो जाएगा एम आई डी टू एक्स बाई डी टी टू माइनस एफ आई अप्लाइड माइनस सिग्मा आर इक्वल टू वन टू के प्लस के डैश लेमडा आर डेल एच आर अपॉन डेल एक्स आई डबल डॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि आर डबल डॉट का मतलब डी टू एक्स अपॉन डी टी टू सो द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट विल बी दिस वन एंड हियर के is a total number of holonomic constraint. So, total number of holonomic constraint यहाँ पर k है. अब holonomic constraint क्या होगा? Non-holonomic constraints क्या होंगे? ये सारे हमने हमारे पुराने lecture में discuss किया हुआ है. वो description box में आप जाकर उसका link देख सकते हो. And k dash is total number of non-holonomic constraints. Now, Lagrange's equation of motion of first kind हमने ये निकाला है. Thus, there are 3n differential equations, each containing a maximum k plus k dash plus 2 terms. Also, here k plus k dash equations of constraint. So, k plus k dash equation of constraint है. And actual में sigma I equals to 1 to 3n था. So, यहां से हमको 3n differential equations मिलेंगे और हर equation में maximum k plus k dash plus 2 terms होंगी. Thus, 3n plus k plus k dash equations are to be solved for 3n unknown in x, I and k plus k dash unknown in lambda, r. Now, degree of freedom. अब degree of freedom क्या है? The maximum number of independent variables required to fix the position and configuration of a dynamical system is called the number of degrees of freedom of the system. तो किसी भी dynamical system की position and कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स करने के लिए जितने नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे फॉर ए पार्टिकल इन 3D मोशन. अब अगर पार्टिकल 3 डायमेंशनल मोशन में है देन इट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. एक मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन एंड एक हमारा मोशन अलोंग जेड डायरेक्शन. सो सिंस देयर आर 3 डायरेक्शंस सो द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ए पार्टिकल इन 3D मोशन इज 3. फॉर अ सिस्टम ऑफ n फ्री पार्टिकल्स, अब अगर n फ्री पार्टिकल्स हैं तो उस सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3n. एंड इफ अ सिस्टम हैज n particles and there are k constraints. अब system में n particle है and k constraint है. So अगर हम degrees of freedom निकालेंगे so वो हमारा 3n minus k होगा. Here k is constraint. 3 point masses connected by 3 rigid massless rod. See यहां पर हमने 1, 2 and 3 3 particle system दिखाया है. इस सिस्टम के जो तीनों मासेस हैं ये 3 मासलेस रॉड से कनेक्ट हैं. अब अगर हम इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालें सो n एक्चुअल में हमारा 3 हो गया एंड k इज नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट और यहां पर कंस्ट्रेंट क्या है 1 2 एंड 3. सो नंबर ऑफ पार्टिकल 3 एंड कंस्ट्रेंट 3. सो 3 into 3 minus 3 दैट इज 9 minus 3 इज इक्वल टू 6. So total इस केस में जो degrees of freedom होंगे वो 6 होंगे.
for a rigid body having number of particles greater than equal to 3, then degrees of freedom will be 6. अगर किसी रिजिड बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 या 3 से ज्यादा है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी 6 होगी. अ रिजिड बॉडी फिक्स्ड एट वन पॉइंट हैव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 माइनस 3 दैट इज 3. द बॉडी कैन रोटेट फ्रीली अबाउट दिस फिक्स्ड पॉइंट विथ दीज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अब कोई रिजिड बॉडी किसी एक पॉइंट के अलावा फिक्स है तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी 3. और ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अलावा हम बॉडी को रोटेट कर सकते हैं. अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इन स्पेस हैविंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ओनली 1. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. नाउ व्हाट इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट? For a system of n particle with k independent constraint, so n particle system हम consider कर रहे हैं और यहां पर k independent constraint है, then degrees of freedom that is small n is equal to 3n minus k. और ये जो हमारा degrees of freedom है, this is always less than the total number of Cartesian coordinate. So degrees of freedom की value हर केस में टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कम होगी. सो वी कैन चूज एनी 3 एन माइनस के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैन बी चूजन आउट ऑफ 3n. सो आप 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में से कोई भी 3n माइनस के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज कर सकते हो. So we choose q1, q2, qn independent quantities such that all Cartesian coordinates are known function of qi variables. Now, if we think about x1, then x1 will be the function of q1, q2, qn and t. It means x1 जो हमारा है, वो coordinate and time का function है. Q and T का फंक्शन है. इन द सेम वे X2 इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ Q एंड T, दैट इज फंक्शन ऑफ Q1, Q2, Qn एंड T. इसी तरह से अगर हम आगे मूव करें, देन Xi विल बी द फंक्शन ऑफ सेम कोऑर्डिनेट एंड टाइम एंड X3n इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ Q एंड T. The system is called reonomic if some or all of the above function are time dependent. Otherwise, this system is called scleronomic. अब अभी जो हमने function दिखाए थे, उसमें से कुछ function, ये सारे function time dependent हैं, तो उस case में system हमारा reonomic होगा. और अगर एक भी function हमारा time dependent नहीं है, तो system हमारा scleronomic होगा. The variables defined by previous equations are called generalized coordinate. So, अभी जो हमने equations दिखाई थी, उन equations से define होने वाले जो variable हैं, वो हमारे generalized coordinate हैं. The generalized coordinates are independent coordinates sufficient to completely specify the configuration of a dynamical system. So, dynamical system के कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए सफिशिएंट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं. द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कैन बी इन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द इजीएस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसके अलावा भी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं जिनमें हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ले सकते हैं. For example, if a particle revolve around a fixed attracting center, so fixed attracting center के चारों तरफ अगर कोई particle revolve करता है, then the generalized coordinate are in spherical coordinate system.
तो उस केस में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे, और वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इज इक्वल टू r sin थीटा cos phi, y इक्वल टू r sin थीटा sin phi एंड z इक्वल टू r cos थीटा, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेरिएबल होते हैं r थीटा phi, सो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमारे ये होंगे। सो हियर वी एंड आवर सेशन। In today's session, we have discussed about degrees of freedom, generalized coordinate, and also Lagrangian formulation in generalized coordinate. So, goodbye.